बसाना स्थित गणेश वाटिका में विक्रम सिंह के सानिध्य में नंदिनी मोटर्स व मनीष कुमार विकास साउंड सर्विस द्वारा बसाना में वन डे सोलो डांस प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नरदेव चौधरी के साथ आर के एस ग्रुप के चेयरमैन जय प्रकाश त्यागी के द्वारा डांस कॉम्पिटिशन का शुभारम्भ माँ सरस्वती पर माला पहना कर व आरती करके किया गया। इसमें बसाना के 5 से 14 साल तक के 25 से 30 बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सोलो डांस प्रतियोगिता में दीप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा लोचना शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। देखिए मथुरा से हम शर्मा की रिपोर्ट स्केच न्यूज। देखिए हमारी नौजवानों को प्रेरित करने के लिए आज इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, पहल की है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यमों से बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। ऐसे विशाल कंपटीशंस के माध्यम से हमारे बच्चों को और आगे जाने की शिक्षा मिलती है। आज मैं देख रहा हूँ पहली बार राधा की नगरी में इस तरह के कार्यक्रम का भव्य आयोजन जिन आयोजकों ने अपनी अथाह मेहनत और प्रयासों से सफल कराने का काम किया है उनको बहुत बहुत बधाई मैं बरसाना एरिया के सभी साथियों की तरफ से देना चाहता हूँ। वैसे भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, मोदी जी और योगी जी दोनों चाहते हैं कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो स्वावलंबी बने और अपने कदमों पर खड़े होकर दुनिया में माँ बाप का, समाज का और देश का नाम रोशन करने का काम करें। ऐसे मंच के माध्यम से जब बच्चों की हिजक खुलनी झिझक खुलनी शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बड़े बड़े मंचों पर पहुंचकर कलाकारी का, अपना हुनर दिखाने का जो मौका उन्हें मिलता है उसमें पारंगत होते हुए देश भर में और विदेश में नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम सब लोगों को बहुत इसकी प्रसन्नता है और इसके सफल आयोजन के लिए मैं अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की तरफ से समस्त बरसाना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।